शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान करेरा तहसील क्षेत्र की टोडा सहकारी संस्था में किसानों के साथ हुई ऋण में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें सहकारी संस्था के द्वारा कुछ ऐसे लोगों पर भी ऋण वसूली का नोटिस जारी कर दिया है जो ऋण लेने के पहले ही मर चुके हैं। साथ ही कुछ ऐसे किसान भी शामिल हैं जिनके द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया और उनको भी ऋण वसूली का नोटिस दिया गया है, जिससे पीड़ित किसानों ने परेशान होकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। करेरा की सहकारी संस्था टोडा में कुछ किसानों के द्वारा खाद बीज ऋण के रूप में लिया गया था, इसकी वसूली सहकारी संस्था के द्वारा की जा रही है। खास बात यह है कि जिन किसानों के द्वारा ऋण लिया ही नहीं गया उनके नाम भी सहकारी संस्था के द्वारा वसूली का नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे किसान परेशान हैं। हम जनसुनवाई में टोड़ा पिछोर संस्था का जो फर्जी ऋण माफी हुई थी, किसानों के साथ गलत तरीके से ऋण निकाला गया। किसानों ने ऋण के लिए कोई आवेदन नहीं दिया, लेकिन संस्था के द्वारा किसानों को लाखों का कर्जदार बना दिया गया। किसानों के चूंकि हमारे शपथ पत्र लेके आए, उन्होंने शपथ पत्र लिख के दिए थे कि हमारे ऐसा ऐसा हुआ है, हमने नोटरी शपथ पत्र कलेक्टर साहब के लिए संज्ञान में दिए हैं और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला, जिस प्रकार कोलारस में घोटाला है उस प्रकार हमारी करेरा संस्था के टीला में और टोड़ा पिछोर में करही में, जैसे वर्तमान में ये दादा किसान है, ये हमारे टोड़ा संस्था ये टीला करेरा संस्था के हैं, जिनके नाम लगभग 1.5 लाख रुपए का फर्जी ऋण निकाला गया है। श्रीमान जी में 1,30,000 रुपये निकाल रहे और कर्जा मांग भी आ रहा है घरे। आपके नाम से निकाले? हाँ, मेरे नाम से। जे देखो, मैंने दो बार आवेदन आए थे, बच्चे लोग दो बार हो गए कलेक्टर साहब। सोसाइटी है महाराज, वो खाद निकालने वाली। अच्छा, हाँ। तो तुमने खाद वगैरह ली थी क्या? नहीं, खाद ली हमने, वो चुकता हमने पैसा करे खाद। हाँ, गेहूँ लेते हैं तो गेहूँ में खाद लेते हैं। जित साहब परिवार 1,30,000 काट रहा है, 80,000 पहले काटे थे, 20,000 को खाद दिया, 60,000 पहले खा गए। वही इस मामले को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य सतीश फौजी ने कलेक्टर शिवपुरी से मिलकर सहकारी संस्था में हुए घोटाले की जाँच की मांग की है। इस मामले पर कलेक्टर का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, संबंधित संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जल्द ही समस्या का निराकरण किया जाएगा। ये कुछ लोगों ने संभावना रखी है कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स में इस प्रकार की शिकायतें हैं कि लोग गलत नाम से उन्होंने ऋण वितरण दिखाया है, और मृतक भी हो सकते हैं और दूसरे लोग भी हो सकते हैं। वो केवल एक सोसाइटी की बात नहीं, कोई और जगह भी ये बातें हो सकती है। तो आज ये संज्ञान में आया है, ठीक है। कुछ उस फील्ड का जो एक्सपर्ट हैं वो, और साथ में कुछ दूसरे लोगों को मिला करके उसकी जांच कराएंगे और जो आवश्यक कार्रवाई होगी।